ये महादलित परिवार का घर है और इस घर में यदि हम जाएंगे तो हमको इतना झुकना पड़ेगा कि लगेगा कि हम सो गए हैं। इस बूढ़ी माँ को देख लीजिए और इधर इस बूढ़े बाप को देख लीजिए और उसका बेटा हरे राम सदाई यहाँ से कमाने के लिए 40 किलोमीटर दूर खुटौना बाजार में होटल में काम करने के लिए जाते हैं। और जब होटल में काम करते हैं और होटल मालिक से पैसा मांगते हैं, उसके बाद उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। किस प्रकार का ये टुटली मरैया है, इसी टुटली मरैया में ये दोनों रहते हैं। और ये घर जो है अपना जमीन में भी नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं ये कमला नदी का तटबंध है और उसी तटबंध के नीचे जो 20 फुट वाला जमीन होता है उसी जमीन में घर बना करके रह रहे हैं। देख लीजिए माँ की क्या हालात है, देखिए अपने बेटे के याद में किस प्रकार से रो रही है। देखिए जैसे ही बेटा का याद आ रहा है ना, वैसे ही माँ की क्या हालात हो गई है, आप देख लीजिए। बेटा तो देख सकते हैं, ये है हालात महादलित परिवारों के साथ। दोस्तों जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये अंजाम जो है महादलित परिवारों के साथ ही हो सकता है। ये गरीब परिवार है इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्रशासन द्वारा उस लाश को बिना परिवार के अनुमति के पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी ले जाया गया। देख लीजिए इस परिवार की क्या हालात है। ये मुसहर परिवार है, आप मुसहर परिवार का आप आकलन लगा सकते हैं इस घर से। इनका ये घर जो है आप देख सकते हैं और इसी गेट के अंदर में ये बूढ़ी माँ बाप जो है अंदर में जाकर के रहती है। इनका बेटा कमाने के लिए खुटौना बाजार गया था। खुटौना में जब इनका बेटा होटल मालिक से बकाया पैसा मांगते हैं, उसके बाद इनके बेटा का डेड बॉडी खुटौना स्थित गुमती के पास मिलता है और तब जाकर के हर कंप जो है सो मच जाता है। लेकिन कल सा बैठल ते रात में हमरा बेटा का मारल गेल। अच्छा, हाँ अब साथ में बात केलक आ ते रात में 12 बजे रात में ई घटना भेल। या मोबाइल उठबे छी तो फोन नहीं, फोन नहीं उठबे छले नहीं। अच्छा, होटले में आ मार के हमरा बेटा का सुता देने, सिरमा धो देने, मच्छरदानी लगा देने, घर लगा देने। आ ते सब पहिने थाना हमरा बेटा लाश उठा के मधुबनी भेज दलक। अहाँ से के जानकारी नहीं दलक? नहीं। अच्छा, जे होटल में लाश मिलले तो वही होटल के मालिक के तो फर्ज बने छे कि अहाँ के खबर करक चाहिए। नहीं खबर के लाऊ नहीं करता बन नहीं प्रशासन के जानकारी प्रशासन जैसे से बिना जानकारी लेने ही है जैसे से अहाँ के बेटा के जैसे कतो लगे ले हमरा बेटा का मधुबनी भेज दलक। हमरा रोगा बेटा पर फोन एल एकर बाबू बड़ी में एकर लिखला कल कही के छे ओलीपुर गाम छे हरे राम नाथ छे। आ तब ओ मुर्दा हम ओई से हमरा बेटा का हमर कुटुम छले ने बरेल में मुसहरबा से चिन्हल के त माल पट्टी वाला कने तेले फोन लक हम अपने नाय लागेल ओनी कल सा बैठेले भगवती में कहिया के जानकारी देलक कल से दिना 3 तारीख का कल से दिना अहाँ के 3 तारीख के जानकारी में। हाँ, लाश के आये आ तुरंत आ कल से कल लोलक लाश हमरा 5 तारीख से अरसो लाश यहाँ 4 तारीख के आके लाश ले। हाँ, 4 तारीख 3 तारीख के अहाँ के जानकारी भेल अहाँ के बेटा के साथ में घटना भ गई है। आ 3 तारीख के कल स्थापनो बैसल छले ना। हाँ, हमर मझिला बेटा गेल कने फकरैत तो लहास रहते तब ना हम चिन्हबे कल के कि हौ लहा चल गला मधुबनी चीर फाड़ में।
तब तो कोतवाल के बिना अनुमति के अहा के लिए इंतजार नहीं कल के प्रशासन प्रशासन फोटो तब चिन्हल के तब गेल त चीरा फरका बेटा का सुताए दिन आ के नानी कहे तईहु बाबू बड़ी थोने थोने रुपया के बोझ रोशन भेज दलक अपने निकल गेल बहु बेटी के घर आरी पर से निकल दलक गाय माल बन दलक। अच्छा ये बताओ काकी जे लगे कौन कारण छे जहाँ के बेटा के मार दिल गेली है दरमाहा खातिर मार दलक कौन कारण से मार दलक हमरा बेटा का से पाई नहीं देने छले से हमरा बेटा का हिस्सा बारी नहीं दलक तब ना मोबाइल में नहीं पाई एल दबाई ला ने खर्चा ले हमरा देख सकते हैं ये महादलित परिवार की क्या हालात है वो आप देख लीजिए और इस परिवार में किस प्रकार की घटना घटी है वो भी आप देख लीजिए।